राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं आपको। सशक्त हो, किसान खुशहाल हो, मोदी सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है। किसानों की आमदनी दोगुनी हो उसके लिए निरंतर माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि विपक्ष की पार्टियां प्रमुख रूप से कांग्रेस, जिन्होंने सदैव किसानों को ठगा ही है, धोखा दिया ही है, उनके लिए कभी भी कुछ भला नहीं किया, वो अभी किसान आंदोलन को हवा दे रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा कि अधिकांश 99% से अधिक किसान आज मोदी जी के साथ खड़े हैं। जो भी चुनाव हुए, चाहे बिहार का चुनाव हो, चाहे उपचुनाव उत्तर प्रदेश का हो, मध्य प्रदेश का हो, कर्नाटक का हो, सभी जगह भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिला है, मोदी जी की नीतियों को समर्थन मिला है। और कांग्रेस पार्टी जो 4 दिसंबर 2012 में जो कपिल सिब्बल ने खुद पार्लियामेंट में बोला था कि कृषि बाजार को खोला जाए, वह कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है। कांग्रेस पार्टी के जो मैनिफेस्टो है उसके पेज नंबर 18 में स्पष्ट लिखा गया है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम को समाप्त करेंगी, वह आज विरोध कर रही है। इसके अलावा राहुल गांधी ने खुद 27 दिसंबर 2013 को यह कहा था कि एमएसपी की बहुत सारे जो फल फूल इत्यादि बहुत सारे वस्तुएं हैं उनको डिलीट कर देना चाहिए एमएसपी से। और आज कांग्रेस पार्टी जो कृषि सुधार जो एक्ट बना है, जो किसानों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन लाएगा, अपने निहित स्वार्थ के लिए उसका विरोध कर रही है। हम उनकी निंदा करते हैं। कुछ तो कम्युनिस्ट पार्टी भी, अलगाववादी संगठन भी आजकल वह भी अपनी रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। अलगाववादी संगठन, कम्युनिस्ट के लोग हमेशा देश विरोधी, देश के प्रगति की जब बात आती है उसका हमेशा कहीं न कहीं उसको विरोध करने का काम करते हैं षड्यंत्र करके। अब ये किसान जानते हैं, किसान को विश्वास भी है कि देश की आजादी के बाद किसानों के अकाउंट में अगर पैसा सीधे डालने का काम किया है, 6,000 रुपये प्रतिवर्ष 10,62,00,000 किसानों के अगर अकाउंट में सीधे पैसा देने का काम किया है तो मोदी सरकार ने किया है। और वह 6,000 में से 5,999 नहीं बल्कि 6,000 का 6,000 गया है, जबकि कांग्रेस के जब शासन में स्वयं उस समय राजीव गांधी जी बोलते थे कि 15% ही पैसा पहुंचता है, 85% पैसा गायब हो जाता है। लेकिन यह मोदी सरकार है कि 100% पैसा एक उनके अकाउंट में पहुंच रहा है। खरीद यूपीए के समय से हमारी सरकार का 6 गुना खरीद बढ़ी है। 1,34,399 करोड़ रुपए की खरीद हमारी सरकार ने की है, 6 गुना अधिक। एमएसपी बढ़ाने की बात हो तो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट मानने का कोई काम किया है तो मोदी सरकार ने किया है। लागत से 1.5 गुना दाम एमएसपी किया तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी। मैं दो उदाहरण जैसे बताना चाहूँ। गेहूं का जब यूपीए की सरकार थी तो 1,400 रुपये एमएसपी हुआ करता था। यह नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने 1975 करने का काम किया और उसमें चना का जो 3100 रुपये दाम होता था उसको 5100 रुपये करने का काम अगर कोई किया है, इतनी भारी बढ़ोतरी तो यह नरेंद्र मोदी जी ने किया। किस प्रकार से किसान खुशहाल हो एक एक करके अगर आप देखेंगे कदम। तो प्रदेश के दौरे पर हैं बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किसान के मसले को लेकर अपनी बात जो है और पार्टी का स्टैंड रख रहे हैं। फिलहाल इतना ही खबर जा रही है, आप बने रहिए।